भगवान श्री कृष्ण के जीवन से क्या सीख सकते हैं? यह कहना गलत नहीं होगा कि श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक सीख है। उनसे हमें केवल धर्म कर्म की सीख ही नहीं मिलती, बल्कि जीवन को कैसे जीना है इसका मार्गदर्शन भी मिलता है। धरती पर श्री कृष्ण ने केवल प्रेम का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि गलत के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत और जिंदगी के सबसे बुरे दौर में हौसला न हारने की शिक्षा भी दी है। आप ये कह सकते हैं कि बाल्यकाल में गाय चराने वाले चरवाहे से लेकर महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में श्री कृष्ण ने जीवन में हमें कई सीख दी हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ ऐसी सीख आपके साथ साझा करने वाले हैं, जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपका जीवन आनंदमय हो सकता है, आप हर मुसीबत को पार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि कर्म को महत्व देना चाहिए। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन के हर पड़ाव पर कर्म करना जरूरी है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही किया था। अपने बाल्यकाल में ही गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठाने से लेकर महाभारत युद्ध में अपने योगदान तक उन्होंने जीवन भर सही कर्म का मार्ग अपनाया। फिर चाहे उन्हें इसके लिए कूटनीति का सहारा ही क्यों ना लेना पड़ा हो, लेकिन वे कभी रुके नहीं। उन्होंने अपने गीता सार में अर्जुन को भी यही ज्ञान दिया, क्योंकि उन्होंने खुद जीवन भर कर्म का साथ नहीं छोड़ा था। बात करें दूसरी बड़ी सीख की, तो कृष्ण जी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। महाभारत में द्यूत सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महान से महान योद्धा और बड़े से बड़े धर्म ज्ञानी केवल मौन रहे। स्वयं द्रौपदी के 5 पति अपने पत्नी के सम्मान के लिए आगे नहीं आए। ऐसे में द्रौपदी ने केवल श्री कृष्ण को स्मरण किया और वे भगवान उसी क्षण अपनी सखी की लाज रखने के लिए प्रकट हो गए। यहाँ श्री कृष्ण समस्त संसार को ये पाठ सिखाते हैं कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। जब कभी इसे भंग करने की कोशिश की जाती है तो समस्त सृष्टि का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि मुश्किल की घड़ी में भी हमें कैसे शांत रहना चाहिए। आपको ज्ञात होगा कि महाभारत में कैसे बार बार शिशुपाल द्वारा अपमानित किए जाने पर भी श्री कृष्ण ने अपने सब्र का बांध बनाए रखा। उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल के 100 पापों को क्षमा कर देंगे और वासुदेव ने ऐसा ही किया। भरी सभा में शिशुपाल और दुर्योधन ने भगवान कृष्ण पर कई सवाल उठाए, लेकिन वह एक वचन के लिए सब कुछ सहते रहे। लेकिन जब शिशुपाल के पापों का घड़ा भर गया, तभी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि कभी कभी कुछ अपमान को चुपचाप सहना भी पड़ता है, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन याद रखें कि वक्त हर किसी का आता है। हर स्थिति में क्रोधित होकर फैसले लेना सही नहीं होता, शांत रहकर सूझबूझ से भी कार्य किया जा सकता है। श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल की गलियों में गुजरा है। वहां एक ग्वाले के तौर पर वह गाय चराते थे, जमुना किनारे बांसुरी बजाते थे और बाकी पक्षियों से भी प्रेम करते थे। ऐसे में श्री कृष्ण का बाल्यकाल हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। उनके जीवन से सबसे बड़ी सीख हमें प्रेम की मिलती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि केवल मनुष्य में प्रेम काफी नहीं है, बल्कि धरती पर मौजूद हर जीवन से प्रेम करना चाहिए। खास तौर पर अपनी प्रकृति से प्रेम होना आवश्यक है। श्री कृष्ण जब कुछ महीने के थे, तब पूतना उन्हें स्तनपान कराने आई थी। श्री कृष्ण जानते थे कि पूतना की मंशा क्या है, लेकिन उन्होंने उसे राक्षस के रूप में देखने के बजाय एक माँ के रूप में देखा। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने पूतना को उसके असुर जीवन से मुक्त कर दिया। ये सीख हमें बताती है कि मनुष्य के अंदर अवगुण देखने के बजाय उसकी अच्छाइयां देखना बहुत जरूरी है। वह कहते भी हैं कि हर किसी में कोई ना कोई अवगुण जरूर होता है। कोई भी इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसलिए लोगों को उनके अवगुणों के साथ अपनाना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के पीछे की असली कथा क्या है। राक्षस नरकासुर ने 16,000 महिलाओं को कैद कर लिया था और वह उन पर अत्याचार करता था। श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया तो उनकी 16,000 बीवियों को अपनाने वाला कोई नहीं था। महिला के परिवार जनों ने भी जब उनसे मुंह मोड़ लिया तो वासुदेव ने उनके सम्मान को स्थापित करने के लिए सभी महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। इससे हमें सीख मिलती है
कि दूसरे मनुष्यों की पीड़ा को महसूस करना और उसे कम करने के क्षेत्र में कार्य करना भी जरूरी है। हर किसी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं होती कि वह दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर सके। अगर हमें यह अवसर मिलता है तो हमें जरूर इस पर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कैसे अपने मित्र का साथ देना जरूरी है। मित्रता के विषय में गरीबी और अमीरी मायने नहीं रखती, लेकिन एक बड़ा दिल अवश्य मायने रखता है। हमें उनके जीवन से पता चलता है कि अगर आपके पास भी कोई सच्चा दोस्त है तो उसकी दोस्ती कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये थी श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाली कुछ ऐसी सीख जिनमें से मनुष्य एक या दो भी अगर अपने जीवन में उतार ले तो उसका पूरा जीवन सुख समृद्धि से भर सकता है। जय श्री कृष्ण।